करिश्मा सिंह आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। ये जो अभ्यर्थी है सीटेट के जो लगातार यहाँ गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हैं और कल इन लोग को 22 तारीख को पैदल मार्च है इस पे हमारे साथ जो मिकुपाल प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे। मिकुपाल जी कल का क्या रणनीति है आपका ये बताइए सबसे पहले तो क्या रणनीति है कल का आपका। कल का सबसे पहले तो करिश्मा जी आपको नमस्कार। हाँ। आप हमारे इतना सुयजी धर्म से न्यूज को दिखाती हैं तो बहुत सारा आपके चैनल को प्यार। और मैं बता दूं कल को जो रणनीति है उसको गुप्त और गोपनीय रखा गया है। हमारे अभ्यर्थी पटना आते हैं तो उनको खाना खिलाने के बाद में जो कुछ भी विधि व्यवस्था है और जो रणनीति है वो जरूर बताया जाएगा। बट कल तो अभी ये जो रणनीति है उसको गोपनीय रखा गया है। बिल्कुल गोपनीय रखा गया है। कि पीछे का कोई कारण तो होगा ना। कारण ये है कि कुछ असामाजिक तत्व है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं जो पुलिस प्रशासन को दमन करने के लिए छात्रों पर लाठी मारने के लिए पहले से तैयारी कराना चाह रहे हैं। हाँ। और ये अपने रथ में होने नहीं दूंगा। अगर गिरफ्तारी भी देना होगा तो मैं दूंगा और कोई ऐसा जेल नहीं है जो मुझे रात भर रख सकता है। औकात दिखा देंगे इतना मैं बता दे रहा हूँ। और किसी भी छात्र पर फिर लाठी चार्ज किया जाता है तो पूरे बिहार भी बंद करवाएंगे और तीसों जिला के लिए। और अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहेंगे कल जितने भी जिले से जो लोग हैं वो 22 तारीख को यहाँ पे आए। हम यही कहना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो तो अभ्यर्थी के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि हक के लड़ाई में किसी को बुलाया नहीं जाता। पर हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके जो अभिभावक है पढ़ाने वाले रोहित वर्धमान जी दिल्ली से चल कर आ रहे हैं यानी आपके लड़ाई में शामिल होने के लिए आपके अभिभावक आ रहे हैं। कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत वरिष्ठ टीचर लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं ये भी सुनने में आ रहा है। सुनने के लिए अभी मिला है ना, कल देखने को भी मिलेगा। अच्छा। और मैं बता दूं कि जब अपने हक के लिए आपके गर्जीवन आपके पेरेंट्स आने लगे हैं तो फिर आप घर में बैठकर कौन सा नौकरी कर रहे हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं और सामाजिक नजरिए से अपना सीना चौड़ा कर घर पर पड़े हुए हैं। ऐसे नहीं चलता है। जब आपके अभिभावक सामने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो आपको भी आना पड़ेगा।